के क्लासेस से मैं कमलेश सर। आज आपको हम पासे के बारे में कुछ साधारण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पासा हमारा मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, साधारण पासा, मानक पासा और अगला आपका है कामन पासा। पहला आपका है साधारण पासा, अगला मानक पासा और अगला आपका है कामन पासा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साधारण पासे पर। साधारण पासा क्या होता है? जैसे कोई पासा दिया गया है, या एक पासा है, दूसरा पासा है, उसी का रूप है। देखिए, यह एक साधारण पासा तभी कहलाएगा जब इस पासे की किन्हीं भी दो सतह पर लिखे अंकों का योग सात हो जाए, तो उसे साधारण पासा कहा जाता है। जैसे चार और तीन जोड़ने से सात हो जाएगा, तो यह एक साधारण पासा है। कहीं भी किन्हीं भी सतह को जोड़ लिया जाए, जैसे चार तीन सात हो जाए, या इसको जोड़ने से सात हो गया होता, या इसको जोड़ने से सात हो गया होता, यानी किसी पासे की किन्हीं भी दो संलग्न कहें या पड़ोसी, संलग्न या पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात हो, तो उसे साधारण पासा कहा जाता है। तो यह एक साधारण पासे का उदाहरण है। एक और पासा लिख रहे हैं हम, ठीक। अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी अगर देखा जाए छः और एक सात हो रहा है, तो यह भी एक साधारण पासा है। ठीक, छः और एक जोड़ने से सात हो रहा, साधारण पासा हो जाएगा। कहीं से भी जोड़ने से हो जाए, यहाँ से तो नहीं हो रहा, यहाँ से भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से आपका जोड़ने से हो गया छः एक सात, या ये क्या है? साधारण पासा है। यानी किसी पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर सात हो, तो उसे क्या कहते हैं? साधारण पासा कहते हैं। अब साधारण पासे में हमने दो पासे का रूप लिख दिया यहाँ पर, एक पासा ये है और इसी का परिवर्तित रूप ये है आपका। पासा दोनों एक ही है, बस दोनों को बदल बदल के दिखाया गया यहाँ पर। अगर आपके पास दो साधारण पासे दिए गए हों और फिर यहाँ से पूछा जाए ये भी एक साधारण पासा, ये भी साधारण पासा, और दोनों में कोई कामन ना हो, जैसे यहाँ पर एक छः पाँच है और इसमें भी तीन चार और दो है, तो इसमें आपसे कहा जाए तीन के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे ऊपर वाली सतह ऊपर के विपरीत होती है, तीन के विपरीत क्या होगा? एक होगा, और अंदर वाली सतह अंदर के विपरीत होती है, दो के विपरीत छः हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाहर वाली सतह बाहर के विपरीत होती है, आपसे कहे चार के विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे चार के विपरीत क्या होगा? पाँच होगा। मैक्सिमम पासे में विपरीत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अपोजिट से यहाँ पर आप कहेंगे तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत एक हो जाएगा, और कहा जाए दो के विपरीत, दो के विपरीत आपका छः हो जाएगा, और आपसे पूछा जाए अगर चार के विपरीत, चार के विपरीत क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। ठीक है, ये साधारण पासा है और उससे संबंधित आपका प्रश्न था। एक क्वेश्चन और हम चर्चा करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगला एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया गया है एक पाँच और दो, और यहाँ पर दिया गया है चार तीन और छः। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भी पाँच दो सात हो गया, यानी ये भी एक साधारण पासा है। यहाँ पर देखा जाए अभी चार तीन सात, ये भी एक साधारण पासा है। दोनों साधारण पासे का ही उदाहरण है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए किसी के विपरीत, पाँच के विपरीत पूछ लिया जाए, यहाँ से किसी के विपरीत पूछ सकता है, पाँच के पूछ सकता है, छः एक के बारे में पूछ सकता है, यहाँ पर छः के बारे में पूछ सकता है, या चार के विपरीत सतह पर पूछ सकता है। तो आपसे कहा जाए अगर एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो कहेंगे एक के विपरीत सतह पर चार होगा। दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। और पाँच के अपोजिट सतह पर पूछा जाए तो पाँच के अपोजिट क्या हो जाएगा? छः हो जाएगा। ऐसा आप तभी कह सकते हैं जब दोनों एक साधारण पासा और दोनों में कोई भी कामन अंक ना हो, तो ऊपर वाली सतह ऊपर के विपरीत, अंदर वाली सतह अंदर के विपरीत, और बाहर वाली सतह बाहर। ठीक, ये आपके अपोजिट होते हैं। चलिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मानक पासा पर। मानक पासा देखिए क्या होता है। देखिए, मानक पासे का हम एक उदाहरण लिख रहे हैं। हमने साधारण पासे में बताया था कि पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे
अंकों का योग अगर सात हो जाए तो साधारण पासा होता है। यहाँ पर ये होता मानक पासे में कि पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात ना हो तो उसे क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक और दो तीन हो गया, तीन एक चार हो गया, दो और तीन क्या हो गया, पाँच हो गया। यानी यहाँ पर भी नहीं सात बना, यहाँ पर भी सात नहीं बना और यहाँ पर भी सात नहीं बना। यानी यदि किसी पासे की किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात ना हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। और हम पासे की केवल तीन ही सतह देख सकते हैं, सामने आपके पासा रखा हो तीन ही सतहें दिखाई देती हैं, उन्हीं तीनों सतहों के माध्यम से हम निर्णय ले लेते हैं कि पासा हमारा कौन सा है। ये क्लियर हो गया हमारा मानक पासा है। अब मानक पासे का एक गुण होता है कि मानक पासे में विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सात होता है, अपोजिट में सात होता है। अगर यहाँ एक है तो इसके पीछे क्या होगा, आपका छः हो जाएगा। इसकी विपरीत सतह पर कहा जाएगा छः हो जाएगा, क्योंकि छः एक सात। दो के पीछे क्या हो जाएगा, दो के पीछे आपका पाँच हो जाएगा, पाँच दो सात। और तीन के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, यानी चार तीन सात हो जाएगा। इसमें विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग सात होता है। एक के विपरीत छः होगा, दो के विपरीत पाँच होगा और तीन के विपरीत चार होगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे ये आपका एक उदाहरण क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। ठीक, इसको चेक करिए पहले मानक पासा है कि नहीं। देखा जाए छः पाँच ग्यारह हो रहा, यहाँ छः चार दस हो रहा, पाँच चार नौ हो रहा, कहीं पर सात नहीं हुआ। सात नहीं होना चाहिए, पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग सात ना हो तो मानक पासा। अब मानक पासा है, अब आपसे कहा जाए छः की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो छः की विपरीत क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि छः एक सात होना चाहिए। पाँच के अपोजिट सतह पर पूछा जाए तो पाँच के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, पाँच दो सात। और फिर कहा जाए चार की विपरीत सतह पर क्या होगा, तो चार की विपरीत तीन हो जाएगा, क्योंकि चार की विपरीत तीन यानी चार तीन सात हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मानक पासा हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आइए कामन पासा पर। कामन पासा क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मानक पासा कामन सॉरी कामन पासा क्या होता है, इसको देख लीजिए। इसमें कोई दो पासे दिखाए गए हैं, उनके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। ये पासे के दो रूप दिखाए गए हैं, एक पासा ये एक पासा ये। अब आप इसको ये ना कहिएगा साधारण पासा है, साधारण पासा तो है ही है, स्वतंत्र रूप से ये भी साधारण है, स्वतंत्र रूप से ये भी साधारण है, चार तीन सात साधारण, छः सात साधारण। लेकिन अब दोनों में मिला के आपको क्वेश्चन लगाना होगा तो ये देखा जाएगा कि यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर भी पाँच है, दोनों में पाँच कामन है, तो इसे आप कहेंगे कामन पासा। कामन पासे में दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक होता है एक कामन पासा और एक दूसरा होता है आपका दो कामन पासा। ठीक, ये दो भागों में बटा हुआ है, एक एक कामन पासा होता है और एक दो कामन पासा होता है। तो हमने जो उदाहरण लिखा है एक कामन पासे का उदाहरण लिखा है, यहां पर दोनों पासों में पांच कामन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा पांच की विपरीत क्या होगा, तीन की विपरीत क्या होगा, चार की विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, देखिए पाँच के विपरीत पहले आपको बता दे रहे हैं, जो दोनों में कामन है उसके विपरीत क्या हो सकता है। पासे में एक से लेकर छः तक अंक लिखे होते हैं, यहाँ पर छः तक अंक का प्रयोग हो सकता है, या ए बी सी डी एफ तक का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए पाँच विपरीत क्या होगा, तो पाँच विपरीत तो तीन नहीं हो सकता, बगल में है, चार नहीं हो सकता है, ये भी बगल में है, पाँच के नीचे छः भी नहीं हो सकता, पाँच नीचे एक भी नहीं हो सकता है, यानी एक छः और तीन चार हो नहीं सकता, बचा क्या आपका दो बचा केवल। क्योंकि हमने कहा कि अगर अंक की बात करें तो एक से लेकर छः तक के अंकों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप पाँच के नीचे जब तीन नहीं हो सकता है, चार नहीं हो सकता है, छः नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता, क्योंकि बगल में कैसे हो सकता है नीचे, यहाँ पर बचा क्या आपका दो, तो पाँच की विपरीत सतह पर क्या होगा आपका दो होगा। ठीक है, तो आपसे कभी भी एक कामन पासे की बात की जाए और उस सतह के बारे में पूछा जाए जो दोनों में समान हो, तो उसके विपरीत वही होता है जो दोनों में सतहों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो पाँच विपरीत वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है, दोनों में दो नहीं दिख रहा है, पाँच विपरीत क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। अगर बाकी के बारे में चर्चा किया जाए, तीन के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, तो इसको हम रोटेट करेंगे। जैसे जो सतह कामन है उसको लेके क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से, और उसी सतह से इसको भी हम क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज, उसी सतह से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, देखिए पाँच है, पाँच के बाद देखिए चार आया है, और चार के बाद क्या आया है, तीन आया है।
ठीक, पाँच पाँच चार तीन, बस यहाँ पर देखा जाए पाँच और पाँच के बाद क्या है एक, और एक के बाद क्या है छः है, और पाँच की विपरीत हमने पहले निकाल लिया दो होगा, तो पाँच की अपोजिट सतह पर दो होगा, और चार के अपोजिट पूछे तो एक हो जाएगा, और तीन के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा छः हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। कोई और एक उदाहरण लेते हैं इसका, हम एक कामन पासे का, जैसे ये दो पासे आपके पास दिए गए हैं, इसमें एक बिंदु है, ये दो बिंदु है, और यहाँ पर चार बिंदु है, और यहाँ पर दो बिंदु है, इसमें तीन बिंदु है, और इसमें छः बिंदु है। ठीक, अगर देखा जाए तो किस पासे का उदाहरण है, इसमें अगर दोनों में देखा जाए तो ये दो बिंदु इसमें भी है और दो बिंदु इसमें भी है। ठीक, बाकी एक बिंदु इसमें है इसमें नहीं है, पाँच चार बिंदु इसमें इसमें नहीं है, छः इसमें भी नहीं है, और तीन बिंदु इसमें भी नहीं है, यानी दोनों में केवल एक सतह कामन है, एक सतह ये जो है इसमें भी है और ये इसमें भी है, दोनों में है, दो बिंदु दोनों में कामन है, यानी आपका एक कामन पासा हो गया। जिस एक कामन पासा का मतलब ऐसा पासा जिसमें केवल एक सतह आपस में समान हो, उसे हम एक कामन पासा कहेंगे। ठीक, एक कामन पासे का उदाहरण है, अगर आपसे पूछा जाए दो बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, दो बिंदु के विपरीत सतह पर उतने ही बिंदु होंगे जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो कौन से बिंदु आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, पाँच बिंदु, पाँच बिंदु कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो यानी दो के विपरीत कितने बिंदु हो सकते हैं, पाँच बिंदु। दो के विपरीत पूछा जाए कितने बिंदु होंगे, पाँच बिंदु होंगे, क्योंकि दो के विपरीत एक नहीं हो सकता है, चार नहीं हो सकता, दो यहाँ पर है, दो के विपरीत तीन भी नहीं हो सकता और छः भी नहीं हो सकता है, तो दो के विपरीत कितने बिंदु होंगे, पाँच बिंदु होंगे। बाकी के बारे में पूछा जाए फिर वही आप रोटेशन का नियम, क्लॉकवाइज इसको लेके क्लॉकवाइज चलिएगा, कामन सतह इसको भी लेके क्लॉकवाइज चलिएगा। ठीक, यहाँ पर दो बिंदु है, दो के बाद देखिए एक बिंदु आया, एक के बाद आपका चार बिंदु आया है, दो बिंदु, दो के बाद एक बिंदु, एक के बाद चार बिंदु। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो बिंदु, दो के बाद आपके छः बिंदु हैं, छः के बाद तीन बिंदु हैं, और दो के लिए आप पहले ही निकाल चुके हैं, दो के विपरीत कितने बिंदु होंगे, पांच बिंदु होंगे, तो दो के विपरीत पांच बिंदु हो गया, एक के विपरीत पूछेगा छः बिंदु आएगा, और चार के विपरीत कितने बिंदु होंगे, तीन बिंदु हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर दो कामन पासे के बारे में। देखिए दो कामन पासा क्या होता है, दो कामन पासे का हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, दो कामन पासे का मतलब होता है जब किसी पासे में कोई दो सतह आपस में समान हो, जैसे इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें चार है, ठीक, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें छह, इसे दो कामन पासा कहा जाएगा। यानी दो कामन पासा ऐसे पासे जिनकी दो सतह आपस में समान हो, जैसे इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसे दो कामन पासा कहा जाता है। ठीक है, अब दो कामन पासे में जो सतहें समान होती हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जो सतहें होती हैं वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो चार के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, छः। यहाँ से पूछा जाए चार के विपरीत, चार के विपरीत छः मिल जाएगा, ये दोनों में दो है, इसमें भी दो है, इसमें दो, इसमें तीन को छोड़ दिया जाए, तो चार की अपोजिट सतह पर पूछा जाए, चार की अपोजिट सतह पर क्या मिलेगा हमको, छः मिल जाएगा। बाकी दो के विपरीत पूछा जाए, दो के विपरीत वही हो सकता है जो दोनों पासों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो दो के विपरीत या तो आपका क्या हो सकता है, जो दोनों में नहीं दिख रहा आपको, एक नहीं दिख रहा है, या तो एक हो सकता है, और आपको क्या नहीं दिख रहा है, पाँच नहीं दिख रहा है। ठीक, और आपको यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा है, दो के विपरीत सतह पर यहाँ पर आपको एक नहीं दिखाई दे रहा है, पाँच नहीं दिखाई दे रहा और तीन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दो के अपोजिट सतह पर इसमें से कोई हो सकता है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सीधे आपके चार के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। इसका कोई और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे यहां पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी, डी, सी, बी और सी। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ए की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा,
यहाँ पर देखा ये भी दो कॉमन पास है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बचा आपका क्या, ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा, ए के विपरीत सतह पर डी हो जाएगा। दो कॉमन पास में क्या होता है, जो सतहें समान होती उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जो सतहें बचती वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, और जो सतहें दोनों में समान होती उनके विपरीत सतह पर वही हो सकता अक्षर जो दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से दिया होगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं, और आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिटेल में। अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको बताया, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों।